हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सबने किए काफ़ी सारे कमेंट, तो मैं उन्हीं कमेंटों के जवाब देने, यानी कि जिन फिल्मों की OTT रिलीज डेट मांग रहे थे उन फिल्मों की OTT रिलीज डेट हो चुकी है कंफर्म। अब ये क्या कुछ होने वाली है उन सब की बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिन देरी किए दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे लाइगर। जी हाँ दोस्तों, लाइगर के लिए काफ़ी सारे कमेंट आए, तो फाइनल लाइगर की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट, यानी कि आप कह सकते हो रिलीज डेट ही निकल के आ चुकी है। तो आपको बता दूँ काफ़ी बड़ी मीडिया हाउसेज की तरफ से इसकी जो रिलीज डेट कन्फर्म की गई है वो की गई 22 सितंबर, यानी कि 22 सितंबर को ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिलने वाली है। लेकिन थोड़ी सी दुखद खबर निकल के आई है हिंदी वालों के लिए। जैसे कि बताया जा रहा है कि इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में ही खाली रिलीज किया जाएगा 22 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों, बट हिंदी के लिए आपको रुकना होगा। जैसे कि 777 40 के लिए आप रुके ना, और अब तक रुके ही पड़े हो। विक्रांत रोना के लिए आप रुके ना, तो रुके ही पड़े हो। हिंदी वालों के साथ हर बार कुछ ऐसा ही होता है। तो कुछ ऐसा ही लाइगर में बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसको 4 भाषाओं में, जो कि साउथ की भाषाएं होने वाली उनमें रिलीज कर दिया जाएगा, बट हिंदी में थोड़ी डिले होगी। तो भाई ऐसा नहीं हुआ तो ठीक ही रहेगा, अगर ऐसा होता है तो फिर हिंदी वालों के साथ फिर एक और नाइंसाफी हो जाएगी। बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली सरीक, जो कि पंजाबी एक्शन ड्रामा फिल्म है, और इसके लिए काफी सारे कमेंट आ रहे हैं। हालांकि मैं इसकी अपडेट दे चुका हूं, सोशल मीडिया पर बता चुका हूं। अगर आप नहीं जानते तो भाई मैंने एक इंस्टाग्राम हैंडल बना लिया है जहाँ पर मैं सारी फिल्मों की रिलीज डेट जो भी आती है उसे तुरंत ही डाल देता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन इंस्टाग्राम पर जहाँ पर मैंने अपनी आईडी डाली है असली रोहित राजपूत जी, जी हाँ, जहाँ पर जाकर आप भी इनकी रिलीज डेटों को काफ़ी जल्दी देख सकते हो, यानी कि जैसे ही आती है मैं वहाँ पर डाल देता हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से जाकर इंस्टा पर फॉलो कर दो, आपको तुरंत ही चाहिए, वरना वीडियो के लिए आपको अच्छा खासा वेट करना होता है। और वीडियो कभी कभी तो सुबह से शाम को आती है और फिर शाम से अगले दिन भी आती है, लेकिन आप जल्दी फास्ट चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आपको जाना होगा दोस्तों। बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म सरीक के बाद, वो होने वाली है आपकी लाल सिंह चड्ढा, जिसके लिए काफी सारे कमेंट आए। तो आपको तो जो लाल सिंह चड्ढा की जो OTT रिलीज डेट है वो कंफर्म हो चुकी है, जो है 20 अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, 20 अक्टूबर को ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलने वाली है। बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है ब्रह्मास्त्र, जिसके लिए काफी सारे लोगों के कमेंट आए। तो फाइनली देखो, ब्रह्मास्त्र का मैं अपडेट आपको दे चुका हूँ, लेकिन अब इसकी जो OTT रिलीज डेट है वो कन्फर्म होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं इस फिल्म की जो राइट है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने खरीद लिया। इस फिल्म को पहले सिनेमा से 8 वीक बाद रिलीज किया जाना था OTT प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब इस फिल्म को 6 वीक बाद ही रिलीज किया जा रहा OTT प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा 21 अक्टूबर को, जो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी सारी ही भाषाओं के साथ, यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में। जी हाँ दोस्तों, बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है बुलेट ट्रेन, और बुलेट ट्रेन को जो अभी तक नहीं जान पाया तो उसको बता दो इस फिल्म को 2 जगह VOD किया जा रहा है। सबसे पहले ये आपको G Plex पर देखने को मिल जाएगी, वहीं पर आपको BMS यानी कि बुक माई स्ट्रीम पर भी देखने को मिल जाएगी, जो VOD होने वाली है 29 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों, 29 सितंबर। बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली प्रे, जो कि साइकोलॉजिकल थ्रिल, हॉरर थ्रिल कह सकते हो आप, एक्शन ड्रामा फिल्म थी, और ये फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी खासी है कॉन्सेप्ट में, लेकिन लोग इसके हिंदी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिलने वाली है 7 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, 7 अक्टूबर को, जो हिंदी में ही देखने को मिल जाएगी इंग्लिश के साथ साथ। दोस्तों बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के लिए काफ़ी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। रक्षाबंधन कब आएगी, क्या इसका जो रिलीज है वो हमें इस महीने में देखने को मिल पाएगा या नहीं, तो आपको बता दो इस फिल्म को ना इसी महीने के लास्ट यानी कि 23 सितंबर को रिलीज किया जाना, बट अभी तक इसका टीजर ट्रेलर नहीं आया, तो आप थोड़ा सा घबरा रहे होंगे। तो घबराओ मत यार, अभी 23 सितंबर को आने में भी टाइम है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसे 30 सितंबर को रिलीज नहीं किया जाए तो 1 अक्टूबर यानी कि 1st week अक्टूबर तक ये आपको देखने को मिल ही जाएगी। दोस्तों बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जिसके लिए आप काफी ज्यादा बेताब हो, कार्तिकेय 2 के लिए। जी हाँ दोस्तों, कार्तिकेय 2 का जो भी वेट कर रहा था उसको अब थोड़ी सी दुखद खबर मिलने वाली है, थोड़ी सी अच्छी भी। दुखद खबर यह है कि जो फिल्म रिलीज होने वाली थी उसकी जो रिलीज डेट है वो आप सामने निकल के आ चुकी है। वहीं पर दुखद खबर यह है, थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई है, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ी। ये फिल्म आपको जो देखने को मिलने वाली है वो 5 अक्टूबर, जी हाँ दोस्तों, 5 अक्टूबर और 7 अक्टूबर, 2 इसकी रिलीज डेट सामने निकल गई है। इन दोनों में से किसी में भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। और अभी ये क्यों देखने को नहीं मिल पाएगी, तो उसका रीज़न है कार्तिकेय 2 को 23 यानी कि 23 सितंबर को मलयालम, जी हाँ दोस्तों, मलयालम भाषा में रिलीज़ किया जा रहा है। कोची में इसका इवेंट होने वाला है, तो जिस वजह से इसका जो थोड़ा सा OTT रिलीज था वो डिले हो गया, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि 5 और 7 अक्टूबर को देखने को मिल ही जाएगी। बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली दोबारा के लिए काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं। तब से मैंने कि ये फिल्म काफ़ी लोगों को देखनी है भैया OTT प्लेटफॉर्म पर। तो आपको बता दो इस फिल्म को वैसे सितंबर में रिलीज़ किया जाना, 23 सितंबर को, लेकिन हाल फिलहाल में इसका टीजर ट्रेलर कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो मुझे लगा ये फिल्म ना अभी यानी कि 25 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दी जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस फिल्म को जो रिलीज़ किया जा रहा है वो 2 अक्टूबर तक नेटफ्लिक्स पर सरप्राइजली रिलीज कर दिया जाएगा, वरना ये 30 सितंबर को ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है सीतारामम, जो कि भाई
हिंदी को छोड़ के तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में तो आ चुकी है अमेजोन प्राइम पर, लेकिन हिंदी वाले मांग रहे हैं कब ये की जाएगी अमेजोन प्राइम पर रिलीज़। तो सबसे पहले बता दूं, देखो इसके लिए थोड़ा बहुत वेट करना होगा, थोड़ा बहुत, क्योंकि इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये फिल्म अमेजोन प्राइम पर ही रिलीज़ की जाएगी, जिसे इसी 30 हफ्ते तक, यानी 30 हफ्ते बोल दिया, यानी कि 30 सितंबर, जी हाँ दोस्तों 30 सितंबर तक रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर ये 30 सितंबर को रिलीज़ हो जाती है तो भाई उसमें आपकी और हमारी दोनों की खुशी है, वरना तो ये फिल्म 777 चार्ली की तरह लंबा वेट कराने ही वाली है। बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है छल्ला मुड़िया, जो कि पंजाबी मूवी, और ये पंजाबी मूवी डायरेक्ट सोनी लिप पर 23 सितंबर को रिलीज की जा रही है दोस्तों। वहीं पर दूसरी फिल्म जो होने वाली है पंजाबी ही, जिसका नाम है सूर्या दा पिंड आ गया, और ये भी आपको 23 सितंबर को G5 पर देखने को मिल जाएगी। और बात करूंगा एक फिल्म जिसका नाम है 777 चार्ली, जिसके लिए अब भी काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि इसे हिंदी में कब रिलीज किया जाएगा ऑफिशियली, क्योंकि जो भी इसे देख रहा है वो कह रहा है कि हाँ इसकी जो लैंग्वेज है वो हॉल की रिकॉर्डिंग हमें साफ साफ पता चल रही है, जिस वजह से इसका हिंदी में वर्जन लोग मांग रहे हैं। तो आपको तो हाल फिलहाल में देखो कोई भी अपडेट निकल के नहीं आया, लेकिन इसे रिलीज़ किया जाएगा वो सरप्राइजली रिलीज़ कर दिया जाएगा, और ये रिलीज़ होने के बाद ही हम सबको पता चल पाएगी रिलीज़ होगा, और जैसे ही ये रिलीज़ होगी तुम्हारा भाई सबसे पहले तुम्हें अपडेट इंस्टाग्राम पर दे देगा, जिसकी आईडी तुम्हें मैं बता ही चुका हूं, असली रोहित राजपूत जी। जी हाँ दोस्तों वहां जाके मुझे फॉलो कीजिए, और भी कुछ अपडेट चाहिए, कुछ भी पूछना है वहां जाके आप आराम से पूछ सकते हो, वरना यहां पर वीडियो तो आती ही रहेगी कंटिन्यूस। उसमें क्या होता है, बस वीडियो में आपको तो पता है 2-4 घंटे लेट हो जाती है, लेकिन इंस्टाग्राम पर 2-4 घंटे पहले पोस्ट आ जाती है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।